माशाल्लाह मेरा बेटा तो आज बड़ा फ्रेश लग रहा है, am I right? बिल्कुल ठीक कह रही हैं मम्मी। ये सिटी स्कैन करवाने और ये जो कड़वी कड़वी दवाइयाँ खाने के डर से ना मैं बिल्कुल ठीक हो गया, अल्लाह करे सही हो। अच्छा आज मैं दफ्तर जा रहा हूँ, आप रेस्ट करेंगी। आज ही क्यों? अरे मैं तो कब से चाहती हूँ कि सारा बिजनेस अब तुम संभाल लो और मैं मजे से अपनी बहू और पोते पोतियों के साथ ऐश करूँ घर। मैं बात करती हूँ भाई साहब से, लुबना से तुम्हारी शादी की। मुझे पता है ये लुबना नामी बीमारी मेरी जान नहीं छोड़ेगी। अच्छा मैं चलता हूँ। जी तर देखना गाड़ी एहतियात से चलाना। अल्लाह के सुपुर्द, या अल्लाह मेरे बेटे को लंबी उम्र देना, उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, या अल्लाह। बाजी आप चाय का पानी चढ़ा दें, मैं ये बेसन घुल करना जब तक पकौड़े बना लूंगी। किस खुशी में आप चाय किस खुशी में पीती हैं रोजाना? बकवास बंद करो, ये पकौड़े किस खुशी में? किसको कह रही हो बेटा? जो मैंने चाय चढ़ा दी है। सुनिया अम्मी ने चाय चढ़ा दी है, अब जाओ जल्दी से पकोड़े बना लो और अभी आए ना तो मुझे बता देना, मैं निकालूंगी। हाँ ताकि सारा क्रेडिट आपको मिल जाए। अफशा कब जिंदगी से संजीदा होगी बेटा? दूसरे घर जाओगी तो कौन तुम्हारी नाजबरदारियां उठाएगा? मैंने तो खुद कभी भी ज्यादा काम नहीं करने दिया, ये छोटे मोटे काम नहीं करोगी तो और क्या करोगी तुम? तुम अच्छी तरह शकीला को जानती हो, वो तो चारपाई से उतर कर पानी नहीं पीती है, कैसे गुजारा करोगी बेटा तुम वहां पे? ना मैं उस घर में जाऊंगी अम्मी, ना मुझे उन्हें पानी पिलाना पड़ेगा, आप उनसे के चारपाई पे पड़ी रहे। अल्लाह मैं क्या करूं इस लड़की का, तो कुछ सुनती नहीं है। बाहर बेटा आ जाओ, नाश्ता लग गया है। की तैयारी है बात कहा यार ओला के बंदे। समझ नहीं आती यार इतना इंतजार क्यों करना पड़ता। भाई मैं डाइनिंग टेबल पे तो इंतजार कर रहा हूँ, आंटी के साथ बैठा हुआ, तू यहाँ बैठा हुआ तू कब आया यार? देख जिम से घर तक का फासला कम से कम भी 20 मिनट का है और एक्सरसाइज के बाद 20 मिनट मेरे से भूखे रहना आई एम सॉरी मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए सोचा कि नाश्ता तेरे और आंटी के साथ करके घर जाऊंगा। अब उठ भी जाना है यार। क्या हुआ तेरे चेहरे पे हवाएं क्यों उड़ रही हैं? सर में दर्द हुआ फिर से? शरीर दर्द। अच्छा अच्छा बस तू फिर यहीं बैठ, मैं तेरे यहीं लेके आता हूँ ठीक है? नहीं नहीं यार मैं साथ चलता हूँ, मम्मी को मत बताना खामखा परेशान हो जाएगी। अच्छा ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन
तो आज फैक्ट्री नहीं जाएगा, ओके? इसे समझाओ हम्माद बेटा। भाई साहब कह रहे थे कि प्रॉपर मेडिसिन मैं उसी वक्त दे सकता हूँ जब इसके जरूरी टेस्ट हो जाए और सिटी स्कैन हो जाए। अम्मी, ये सर का दर्द इतना बड़ा इशू नहीं है कि मैं इसके लिए आपको बिला वजह परेशान करूं। बेटा, तुम्हें तकलीफ में देख के मुझे बहुत तकलीफ होती है। आंटी ठीक कह रही है, टेस्ट करवाने में कोई हर्ज नहीं है फहद। इससे आंटी के दिल का वहम भी दूर हो जाएगा और उन टेस्ट की रिपोर्ट को सामने रखते हुए अंकल भी बेहतर तौर पर तुम्हारा इलाज कर सकेंगे। यही तो मैं कह रही हूं। मुझे यकीन है तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएगी, मेरा दिल कहता है। इंशाल्लाह आंटी, अगर आप लोगों की यही मर्जी है तो मैं क्या कह सकता। जी तर मेरी जान। आमीन। यार, तुम सबके कहने पे मैंने टेस्ट कराने की हामी तो भर ली है, लेकिन एक अजीब सी सोच है मेरे जहन में। खुदा ना खास्ता रिपोर्ट नॉर्मल ना आई तो फिर। यार तू ऐसे क्यों सोचता है? जितने भी टेस्ट हैं अंकल और आंटी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करवा रहे हैं, और फिर खतरनाक से खतरनाक बीमारी भी हो लोग टेस्ट तो करवाते ही है ना। तू क्यों फिक्र करता है? मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा दिल कहता है कि तेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी। आई एम श्योर यार। अच्छा, आप ज्यादा अरस्तु की कब्र पर लात मत मारे इतना सोच के, और चले मेरे साथ बीच में, माहौल बड़ा अच्छा है, हो सकता है कुछ अच्छी चीज खाने की मिल जाए।
भाई आप कब आए? इस दुनिया में तो बरखुरदार आपसे बहुत पहले आया था, लेकिन इस घर में आपके बाद अभी आया हूं। अरे वाह भाई, आप तो शायर बन गए। ना नो, अपनी शायरी से आप मुझे बहुत दूर रखेंगे, समझ गए आप? मैं एक हफ्ते के लिए दुबई जा रहा हूँ और मेरी एब्सेंस में ऑफिस के काम की सारी जिम्मेदारी आपके सर पे होगी, समझे? एक हफ्ता? भाई हाउ कैन आई, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। मेरा मतलब पहले आपके साथ कुछ वक्त लगा के मैं थोड़ा ट्रेन तो हो जाऊं। क्या कमाल करते हो यार तुम। मैंने रिजवान साहब से कह दिया है, वो आपको सब समझा देंगे कल। मैं जरा जाके शावर वगैरह ले, हद हो गई यार। अच्छा मैं भूल ही गया, आपके लिए एक गुड न्यूज। गुड न्यूज? जी, कल सुबह आप जाए इस पत्र पर जाकर इन लोगों से मिले, इनका बहुत बड़ा प्रिंटिंग प्रेस है। ये लोग आपकी किताब शाया करने के लिए रजामंद हो गए। Really? That's great. Thanks, bro. Thank you so much. आप कब आओगी फरी? बच्चों अब तो सेमेस्टर के बाद ही आना होगा। तुम्हारे आने से तो मेरा दिल बहुत बहल गया था, वरना सारे दिन दीवारें तकते तकते और रजा का इंतजार करते करते थक जाते। अरे तुमने तो कल जाना था, तुम अभी से पैकिंग क्यों कर रही हो? सच पूछे बच्चों तो मैं यहाँ एक ही हफ्ते में बोर हो गई, आपका पता नहीं कैसे दिल लगा रहता है। बजो आपसे एक बात पूछूं, आप माइंड तो नहीं करेंगी? मैं क्यों माइंड करूं, ये रखो, बोलो क्या है। बजो बजो क्यों ना आप और रजा भाई एक बच्चा अडॉप्ट कर ले, आपका दिल भी बहल जाएगा। बच्चा अडॉप्ट करें? रजा राजी हो जाएंगे इस बात पे? आपका राजी होना जरूरी है। देखिए मैं आपसे उम्र और तजर्बे में कम जरूर हूँ, लेकिन कुछ बातें आपसे बेहतर जानती हूँ। मर्द कितना ही शरीफ और वफादार क्यों ना हो, औलाद की कमी उसे किसी भी दूसरी औरत के पास ले जा सकती है, और ये दूसरी औरत आपके कितने करीब है ये आप जानती है ना। डॉक्टर जेब, डॉक्टर सजाद के पास चलते हैं, ये पूरा केस लेकर चलते हैं, उनसे डिस्कस कर लेते हैं और वो जैसा कहेंगे ऐसा कर लेंगे हम लोग, और पेशेंट भी उनका ही है। अम्मी बाजी कहाँ है? लाइब्रेरी गई थी, अब तो काफी देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गई। मैं खुद परेशान हो रही हूँ उसके लिए। देर हो गई है बहुत, गई कब थी? घंटा तो हो गया बेटा। अच्छा अब्बू भी नजर नहीं आ रहे हैं, असल में मेरा एक क्वेश्चन फंस गया, पूछना था उनसे। अब्बू तो तुम्हारे वो उनके ऑफिस में किसी कुलीग की डेथ हो गई है, मिर्जा साहब के साथ वहीं गए। अगर आप कहें तो मैं देखा हूँ बाजी को लाइब्रेरी तक।
जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अफशा कहाँ रह गई थी तुम? वो हाँ लाइब्रेरी पे ना सलमा मिल गई। मम्मी वो ना मुझे घर ले गई मम्मी की तस्वीरें दिखाने। इतनी प्यारी उसकी तस्वीर आई, इतनी प्यारी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। वाह बेबा बहुत अच्छी। हम यहाँ परेशान होते फिर रहे और तुम अपनी सहेली की मंगनी की तस्वीरें देखती फिर रही हो। फोन ही कर देती। देखिए ना याद ही नहीं रहा। अब आइंदा कर दिया करूंगी। ठीक है तुम करोगी आइंदा। जाओ। नहीं बेटा वो नींद नहीं आ रही। डैडी आप कुछ परेशान हैं प्लीज बताइए ना। लुबना तुम अब बच्ची नहीं रही हो बेटा। हर बात में जिद नहीं किया करते। कह दिया कोई बात नहीं है तो बस कोई बात नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? कोई बात नहीं है। ओके कोई बात नहीं। यार बात तो तुम्हारी माकूल है मिर्जा और मेरे भले की है लेकिन लड़का पहले से शादीशुदा है और दो बच्चों का बाप भी है। ये कुछ सोच ले। शरीफ लोग हैं, खाते पीते लोग हैं। मैं जाती तौर पर उनको जानता हूँ। चार साल शादी रही, दूसरे बेटे की वलादत के बाद बीवी का इंतकाल हो गया और वैसे भी अलमास की उम्र भी। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? समझ रहा हूँ। भाई अब क्या करें? 40-45 साल के कवारों का यह हाल है कि उन्हें 16 और 17 साल की लड़कियां चाहिए और उससे बुरा हाल यह है कि उन्हें मिल भी जाती। खुद हमारी छोटी साहबजादी के शौहर 18 साल बड़े हैं। क्या करें और क्या ना करें अहमद? रिश्तों के इंतजार में बेटियों को बिठा के तो नहीं रख सकते। अच्छा वो मेरे लोन का क्या हुआ यार? यार वो पार्टी अचानक इस्लामाबाद चले गई। 4-5 रोज में आ जाएगी तो मैं तुम्हारी मुलाकात करा दूंगा। अल्लाह पर भरोसा करो सब ठीक हो जाएगा। वैसे बिस्मिल्लाह करके अलमास वाले मौजू पर भाभी से जरूर मशवरा कर लो। हाँ अल्लाह खैर करेगा यार। जी 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 नमाज का वक्त हो गया चलें। ये तो फहाद की रिपोर्ट्स हैं। डैडी को फोन करती हूँ। नहीं पहले मैं देखती हूँ इसमें क्या है।
ओह माय गॉड। सच्चाई या झूठ? कुछ नहीं, तुम जाओ। समझ गई भाई साहब। तशरीफ रखिए। आप पुराने रस्मों रिवाज के मुताबिक बेटी के घर का पानी भी पीना पसंद नहीं करते, लेकिन जनाब अभी मेरी बहू को घर आने में पूरा महीना है। और सुनिए, ये घर आपका भी तो है। मुझे ये घर और आप सब लोग दुनिया के किसी भी रिश्ते से बहुत ज्यादा अजीज हैं भाभी। अल्लाह जन्नत नसीब करे। फाद के अब्बू हमेशा यही कहा कर। भाई साहब, वो आपको गलत फहमी भी हो सकती है ना, और ये भी हो सकता है कि रिपोर्ट ही गलत हो, है ना? मैं आपके जज्बात को समझ सकता हूँ भाभी, लेकिन सच यही है, कैंसर ने फहद के दिमाग को पूरी तरह से जकड़ लिया है। बस कीजिए, खुदा के लिए बस कीजिए। देखिए भाई साहब, मेरे पास जो कुछ है, फैक्ट्री, घर से, पर मेरी बच्ची को जिस दिन वो सब ले लीजिए, मेरे फहद को बचा लीजिए। काश कि ये सब मेरे बस में होता पाते। फहद का इलाज अब सिर्फ सर्जरी से मुमकिन है, लेकिन सर्जरी में भी 5% से ज्यादा कामयाबी के इम्कानात नहीं है, इसलिए कि सर्जरी की सूरत में कैंसर उसके सारे जिस्म में फैल सकता है। हमारा गम साझा है फाद, मेरा बेटा तो आपका होने वाला दामाद भी तो है, और कोई बाप भला ये कैसे जा सकता है कि साल के अंदर अंदर उसकी बेटी। अरे रुए जमीन पे कहीं तो इसका इलाज होगा, चीन, जापान, लंदन, अमेरिका, कहीं तो इलाज होगा ना। सब कुछ जानते बूझते मैं अपनी इकलौती बेटी को कुएं में नहीं धकेल सकता। क्या कह रहे हैं आप? क्या मतलब है आपका? क्या मतलब है? यही कि अब लुबना और फहद की शादी नहीं हो सकती। क्या बात कर रहे हैं आप? शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है, मेहमानों की लिस्ट बन चुकी है, होटल बुक हो चुका है, आप मेरे बेटे से उसकी आखिरी खुशी मच्छी में। मैं आपसे वादा करती हूँ, अपने मरहूम शौहर की कसम खा के कहती हूँ, मैं लुबना को एक साल में इतनी खुशियां दूंगी कि किसी दुल्हन ने सारी उम्र में नहीं देखी होगी। मैं 10 माओं का प्यार दूंगी उसे भाई साहब। भाभी मैं आपको कैसे समझाऊं? किसी भी औरत के लिए उसके शौहर का नेमुल बदल दुनिया की कोई शय नहीं हो सकती, और ये बात मुझसे ज्यादा बेहतर जानती है। लाइल्मी में खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो जाए तो इंसान को सब रहा जाता है, लेकिन मैं सब कुछ जानते बूझते अपनी इकलौती बेटी को एक साल में बेवा होते हुए देखूं, ये नहीं होगा मुझसे, किसी भी बाप से नहीं। रुकिए भाई साहब, रुकिए, जाते जाते मुझसे एक वादा करते जाइए बस, प्लीज। कैसा वादा? भाई साहब, फहद की बीमारी का हम दोनों के सिवा किसी को पता ना चले, फहद को भी नहीं, फहद को भी नहीं। भाभी आप मुझे बहुत सख्त आजमाइश में डाल रही हैं।
ये मेरी प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है कि मैं अपने किसी भी पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में इन्फॉर्म ना करूं। बहरहाल अपने मरहूम दोस्त और आपसे, इस घर से जो मेरा जाती ताल्लुक है उसको सामने रखते हुए मैं वादा करता हूं आपसे कि बात को कभी कुछ भी नहीं पता चल सकेगा। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। जी।